हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने रेडमी के फोन का पिन लॉक को सेटअप करोगे। दोस्तों अपने फोन में पिन लॉक को सेटअप करना चाहते हो, दोस्तों आप पिन पासवर्ड को यूज़ करना चाहते हो, आप इसको कैसे सेटअप करोगे और कैसे यूज़ करोगे आज की वीडियो दोस्तों मैं आपको बताऊँगा। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दोस्तों आपको फ़ोन की सेटिंग पर क्लिक करना है। फ़ोन की सेटिंग पर क्लिक करना है दोस्तों, यहाँ पर जैसे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस अपने रेडमी के फ़ोन में। आपको अपने रेडमी के फ़ोन में दोस्तों पासवर्ड एंड सिक्योरिटी सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों स्क्रीन लॉक, आपको इसी पे ही क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको दिख जाएगा पिन लॉक, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको 5 सेकेंड रुकना पड़ेगा दोस्तों, आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ लो। अगर आप अपने पासवर्ड को भूलते हो दोस्तों, आपका जो भी डाटा है आपको इरेज करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो भी पिन डालोगे याद रखना, भूलना मत। दोस्तों यहाँ पर मैं 1, 2, 3, 4 और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इसी दिखा दूँ। दोस्तों यहाँ पर आप 4 to 16 digit पिन लगा सकते हो, मतलब दोस्तों 4 से लेकर आप 16 digit पिन को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। दोस्तों आप कुछ भी कर सकते हो, पर दोस्तों सबसे पहले इस पर क्लिक करके पिन को वेरीफाई कर लेना, कंटिन्यू कर देना और दोबारा से दोस्तों सेम पिन को एंटर कर देना। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ऐड फिंगरप्रिंट का। आप फिंगरप्रिंट को ऐड करना चाहते हो यहाँ पर आप कर सकते हो, मैं नहीं करना चाहता। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, जब हम अपने फ़ोन को हम लॉक कर देते हैं और दोस्तों अनलॉक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमारे को 6 digit का पिन इंटर करना पड़ेगा। जो भी दोस्तों आपने पिन बनाया था आप उसको इंटर कर लेना और फिर यहाँ पर अपने फ़ोन को आप अनलॉक कर सकते हो। दोस्तों आप इस तरीके से अपने लॉक स्क्रीन में पिन लॉक को सेटअप कर सकते हो। और दोस्तों अगर अपने पिन लॉक को चेंज करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च वाले ऑप्शन में सर्च करना है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी सेटिंग, आपको इसी पर ही क्लिक कर लेना है। और स्क्रीन लॉक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो भी आपका पिन है आपको इंटर कर देना है, नेक्स्ट कर देना है और आप दोबारा से पिन पे क्लिक कर लो। दोस्तों आपको दोबारा से 5 सेकंड के लिए वेट करना है और यहाँ पर आपको गॉट इट कर लेना है। जैसे आप इस पर कर लेते हो दोस्तों, यहाँ दे सकते हो पिन पासवर्ड दोबारा से ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा 4 digit पासवर्ड। दोस्तों पहले हमने 6 digit दिया था, मैं 4 digit पर कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मैंने ये पासवर्ड बनाया है 2580 और ओके कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे लॉक स्क्रीन पर दोस्तों आप जो 6 digit का पासवर्ड था वो हट गया है। दोस्तों हमारे फोन में 4 digit का पासवर्ड है। दोस्तों यहाँ पर आप अपने 4 digit पासवर्ड को एंटर करोगे तो आप अपने फ़ोन को आप अनलॉक कर सकते हो। दोस्तों आप इस तरीके से अपने फ़ोन में दोस्तों आप पिन लॉक को सेटअप कर सकते हो। और दोस्तों आप अपने पिन को अगर हटाना चाहते हो अपने लॉक स्क्रीन से, दोस्तों अपने पिन पासवर्ड को आप कैसे ही हटाओगे। दोस्तों हटाने के लिए आपको अपने पुराने पिन को एंटर कर देना है और यहाँ पर आपको टर्न ऑफ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आपके फ़ोन से आपका जो पिन पासवर्ड लॉक है दोस्तों यहाँ पर वो हट जाएगा, आप देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर कोई भी पिन पासवर्ड लॉक नहीं है हमारे रेडमी के फ़ोन में। और दोस्तों यहाँ पर हम अपने फ़ोन को हम स्वाइप करके अनलॉक कर सकते हैं बिना किसी पिन पासवर्ड के। दोस्तों आप इस तरीके से अपने पिन लॉक को सेटअप कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई है दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों कोई भी डाउट हो प्रॉब्लम दोस्तों आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाय बाय दोस्तों।